अगर पिछली बार के आंदोलन से इस बार की तुलना की जाए तो रोकने के लिए क्या ज्यादा इंतजाम किए गए? मैं माफी चाहूंगा, आपका सवाल नहीं सुन पाया अर्पिता। अर्पिता माफी चाहूंगा, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। सतेंद्र, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए, अगर पिछली बार के आंदोलन को देखिए जो इंतजाम पुलिस ने किए थे, इस बार उससे कितने अलग इंतजाम आप देख रहे हैं इनको रोकने के लिए? देखिए, पिछली बार के जो इंतजाम थे उनसे बिल्कुल ही अलग इंतजाम अब की बार है। अब की बार 30 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेज की बुलाई गई हैं, हजारों की तादाद में हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं। अब की बार जो ड्रोन से टीयर गैस के बॉम्ब शेल फेंकने की अरेंजमेंट किए गए हैं। इसके अलावा दर्जनों एम्बुलेंस यहां पर लगाई हुई है। और ये देखिए, ये ड्रोन है जो पुलिस ने छोड़ा है और इसमें भी टीयर गैस सेल इससे छोड़े जा रहे हैं। और ये देखिए, और यहाँ पर जो पुलिस के इंतजाम की आप बात कर रही थी, तो ये वही इंतजाम हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछली बार के आंदोलन में इसमें दिन रात का फर्क है। अब की बार पुलिस ने जिस तरीके से बैरिकेडिंग की है, पिछली बार वो बैरिकेडिंग भी नहीं थी। तो ये जो हालात हैं वो एक तरफ चिंताजनक बने हुए हैं और दूसरी तरफ तनाव बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन हालातों पर इस तरीके से कब तक काबू पाया जाएगा, कब तक इन परिस्थितियों को संभाला जाएगा। और सिचुएशन जो है लगातार बिगड़ती जाएगी। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई थी वो एकदम चिंताजनक बनी हुई है और तनाव की बनी हुई है। बोरी बोरी अर्पिता, सतेंद्र जिस तरीके हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए अभी ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसे कुछ, ये देखिए ड्रोन से टीयर गैस फेंके जा रहे हैं। देखिए, ये ड्रोन से टीयर गैस फेंके जा रहे हैं अर्पिता, वो जो तस्वीर है देखिए, ये टीयर गैस जो फेंके गए हैं ये ड्रोन से फेंके जा रहे हैं। ये ड्रोन जो आ रहा है उससे टीयर गैस जो है फेंके जा रहा है। तो हालात यहाँ पर कहीं ना कहीं बेकाबू होते जा रहे हैं और सिचुएशन तनाव वाली बनी हुई है। लोगों को भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि लोग भी आगे ना बढ़ें। और ये देखिए, ये जो ड्रोन आया है इससे टीयर गैस सेल फेंके जा रहे हैं। तो जो आप सवाल आपने किया था कि अब की बार और पिछली बार के पुलिस अरेंजमेंट्स में क्या फ़र्क है, तो दरअसल ये वो फ़र्क है जो पिछली बार नहीं दिखाई दिए थे। और अब की बार पुलिस ने इस तरह के इंतजाम किए हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद ये किसान शंभू बॉर्डर से आगे ना जा पाए। हालांकि किसान भी जिद पर अड़े हुए हैं और उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो हर स्थिति में शंभू बॉर्डर पार करेंगे और दिल्ली जाएंगे। अब यहाँ पर एक तरफ जिद है, एक तरफ तैयारी है और हालात जो है बेकाबू हो रहे हैं, संभाले नहीं संभल रहे हैं। लोग भी सामने आ रहे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि तनाव ना फैले, एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए, एक बार फिर से जो भीड़ है वो आगे आती है और टीयर गैस सेल फेंक कर उनको पीछे किया जाता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बन गई है जिसका समाधान फिलहाल किसी के पास नज़र नहीं आ रहा है। किसानों की अपनी मांगे हैं, सरकार की भी हो सकता है मजबूरियां हो। एक मीटिंग दो बार चंडीगढ़ में हुई है लेकिन मीटिंग में कोई हल नहीं निकला। किसान जो है MSP चाहते हैं, उसके साथ जो कर्जा है उसकी माफ़ी चाहते हैं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है उसको लागू करवाना चाहते हैं। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में जो हुआ था उस मामले पर एक्शन चाहते हैं। दिल्ली पिछले 2020 में जब आंदोलन हुआ था, जो पुलिस के मामले दर्ज किए गए थे उनकी वापसी चाहते हैं। कई पॉइंट्स ऐसे थे जिन पर सहमति बन गई थी लेकिन ज़्यादातर ऐसे मामले हैं जो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, तो उन पर जो है सहमति नहीं बनी। और किसान नेताओं ने अभी भी ये कहा है कि हम शांतिपूर्वक जो है अपना मार्च करना चाहते हैं, हम किसी तरह की हिंसा नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ दिल्ली जाना चाहते हैं, हम किसी के सड़क बंद नहीं करना चाहते, हम किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते। और स्वर्ण सिंह पंधेर जो है किसान नेता, उन्होंने ये भी कहा कि हर तरीके का भाईचारा और सौहार्द बनाए रखे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की तस्वीर बन रही है वो कहीं ना कहीं हैरान परेशान करने वाली है, चिंता करने वाली है। सत्येंद्र, क्या ऐसा मुमकिन था कि जो प्रदर्शनकारी है, क्योंकि आप प्रदर्शन करना अगर कोई
धरना देना चाहता है, प्रदर्शन करना चाहता है, तो आप उसको कैसे रोकेंगे? क्या ऐसी कोई जगह निर्धारित नहीं कर की जा सकती थी जहां पर ये जाते और प्रदर्शन कर लेते? देखिए, इस तरह की कोई जगह नहीं निर्धारित हो रही थी। हाँ, समाधान के तौर पर अगर ये हरियाणा में जाते हैं किसान, तो उनको रोकने के लिए अस्थाई जेल का जरूर प्रबंध किया गया है, लेकिन इस तरह का कोई भी अरेंजमेंट पुलिस ने फिलहाल नहीं किया है कि बड़ी तादाद में किसान आ जाते हैं तो उनको कैसे रोका जाए। और अब ये देखिए, कुछ लोग आए हैं जो मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा सा कैमरे को मैं ले जाकर आगे आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये जो घग्गर नदी के ऊपर पूरा हाईवे बना हुआ है, एक तरफ आने का रास्ता है, एक तरफ जाने का रास्ता है, और ये देखिए घग्गर नदी के बीचों बीच तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर की, जहां पर इस वक्त जो काफिला है वो पहुंचा, उसको तितर बितर करने के लिए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी की है। लगातार आंसू गैस के गोले वहां पर दागे जा रहे हैं, ड्रोन से भी आंसू गैस के गोले वहां पर दागे जा रहे हैं, और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश है। तो सबसे पहले जो नजदीक पहुंच रहे बॉर्डर को, उनको आंसू गैस के गोले दाग कर हटाए गए। उसके बाद ड्रोन से उन्होंने इलाकों में जहां पर इनके जमावड़े थे या जहां पर ये इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें वहां से हटाने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल करके आंसू गैस बरसाए जा रहे हैं। तो पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि ये आगे ना बढ़े, लेकिन किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, उसकी इजाजत उन्हें मिलने चाहिए, उन्हें क्यों रोका जा रहा है? तो इस बात को लेकर गतिरोध की स्थिति दिख रही है। किसान जो है वो जिद पर अड़े हुए हैं, पुलिस अपनी तैयारियों के साथ अड़ी हुई है। सत्येंद्र हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। सत्येंद्र, एक के बाद एक आंसू गैस बरसाए जा रहे हैं, लेकिन ये गतिरोध जो शुरू हुआ है, ये इसका अंत क्या दिखता है फिर? मैं तो यही था, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सत्येंद्र लगातार मौजूद है, दिल्ली की सीमाएं सील की गई हैं। किसानों ने आज दिल्ली कूच की बात कही थी, अलग अलग जगहों पर बॉर्डरों को सील किया गया, लेकिन फिलहाल ये शंभू बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, उन्हें वहां से तितर बितर करने के लिए, क्योंकि ये दिल्ली बढ़ना चाह रहे थे, दिल्ली में प्रदर्शन करना चाह रहे थे, दिल्ली कूच करने की इनकी तैयारी थी। एक के बाद एक आंसू गैस के गोले वहां पर दागे जा रहे हैं। गतिरोध की स्थिति किसान और पुलिस के बीच नजर आ रही है। किसान आगे बढ़ने पर आवादा है, लेकिन पुलिस इन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। पिछली बार से 2020 से अलग तैयारी यहां पर पुलिस ने की है। पिछली बार बैरिकेड्स लगाए गए थे, जिन्हें उठाकर पानी में फेंक कर ये लोग आगे बढ़ गए थे। इस बार की स्थिति में कुछ सुधार, यहाँ बैरिकेड नहीं, यहाँ सीमेंट के बैरिकेड किए गए हैं। साथ ही साथ भारी तैनाती सुरक्षा बल, पुलिस बल की तैनात की गई है। आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल हो रहा है। अब तकनीक की अगर बात कीजिए तो ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। लगातार आंसू गैस के गोले शंभू बॉर्डर पर चल रहे हैं, किसानों को हटाने की तैयारी हो रही है, लेकिन पंजाब से किसानों का जत्था अभी भी आगे बढ़ रहा है। कुछ ही किलोमीटर दूर है शंभू बॉर्डर से, किसी भी वक्त किसी भी पल वो भी यहाँ पहुंच सकते हैं, और उसके बाद गतिरोध और बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है यहाँ पर। हालांकि अभी फिलहाल तितर बितर करते हुए इन भीड़ को, इन लोगों को प्रशासन की एक कोशिश है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ये दरअसल शंभू बॉर्डर, यानी पंजाब से जो लोग आ रहे हैं हरियाणा घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो हरियाणा के बॉर्डर पर यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं।